ये देखिए सनराइज अभी निकलता है इस तरफ, तो पहले इस तरफ जाएंगे फिर देखते हैं। गुड मॉर्निंग, सुबह के 7:26 हो रहे हैं। अभी उठाओ एंड देखते हैं बाहर का व्यू कैसे है आज। तो 7:26 हो रहे हैं और मैं उठ के फर्स्ट बाहर का व्यू देख रहा हूँ। या मैन क्या व्यू है, मतलब सुबह उठो और ये व्यू देखो, इट्स लाइक द बेस्ट। और बारिश हो रही है, ये शायद से ओस होता है ना, उसकी बारिश है। और ये ऊपर से जो पत्तों पे पानी इकट्ठा होता है वो गिर रहा है नीचे। और ये मेरा रिसोर्ट है, सुबह सुबह यहाँ पे वॉक करके आया, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अभी मैं बैठा हूँ अपने रूम के बाहर, ये आ गई अपनी ब्लैक कॉफ़ी, सुबह की कॉफ़ी विद दिस व्यू। एंड इस तरफ का तो व्यू यार बहुत ही ज़बरदस्त है, ये देखिए। इस तरफ ऐसे जैसे हमारे रूम्स है वैसे अलग रूम्स है उस तरफ। और नीचे अब ध्यान से सुनिए, कुछ आवाज़ आएगी। ये जो पीछे से बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है ना, वो है पानी की। नीचे जाएंगे अभी अपन, फिर मैं आपको पूरा रिसोर्ट भी दिखाऊंगा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है अभी का जो है ना यार, बहुत क्लास है। और ये हो रहा है सनराइज सामने से। तो अब मैं अपनी कॉफ़ी गर्म करता हूँ, फिर अपन जाते हैं, घूम के आते हैं पूरा रिसोर्ट। कॉफ़ी खत्म कर ली, अभी निकलते हैं घूमने। ये देखिए सनराइज अभी निकलता है इस तरफ, तो पहले इस तरफ जाएंगे फिर देखते हैं। हमने स्टे किया है बाइसन रिवर रिसोर्ट में। ये एंट्रेंस है, इसके बाहर निकलते ही राइट साइड में सुपर डैम और लेफ्ट साइड पे जाओगे तो जंगल सफारी। तो अभी पूरा रिसोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ। मेन एंट्रेंस आने के बाद यहाँ पे पार्किंग है एंट्रेंस करते ही, और काफ़ी स्पेशियस पार्किंग है। उस तरफ एक कैफे, वंडर कैफे, पता नहीं वहाँ पे क्या मिलता है क्योंकि हमारा पूरा पैकेज में इंक्लूडेड था, हम तो वहाँ पे जाने की कोशिश नहीं की। तो ये है एंट्रेंस अंदर वाला, बाहर का गेट तो आपने देख लिया। तो यहाँ पे आते ही अंदर है रिसेप्शन, तो इस तरफ उनका ऑफिस है, इस तरफ वेटिंग एरिया, और यहाँ पे आपका बुकिंग कंफर्मेशन होता है जहाँ पे आपको उदय जी मिलेंगे। सर गुड मॉर्निंग, कैसे हो? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ऑल्सो। सो सर, लाइक ये रिसोर्ट कब से है यहाँ पे? दिस रिसोर्ट इज नियरली अबाउट 26 इयर्स ओल्ड एंड दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रॉपर्टी व्हिच इज डेवलप्ड टूरिज्म इन दांडेली। ओके, फॉर द लास्ट 26 इयर्स वी हैव बीन डूइंग वेल। ओके, एंड वी डू हैव 33 रूम्स ऑफ एसी कॉटेजेस, एंड वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचर एक्टिविटीज इज बीन टेकन प्लेस डाउन हियर इन दांडेली इटसेल्फ। राइट, वी हैव स्टार्टेड रिवर राफ्टिंग in Dandeli, river rafting in Dandeli, by Mr. Khadar, one of the owners of Bison River Resort. Okay, yeah, and there are a lot of activities, not only the water sports but even the rope adventure activities like ladder climbing, Burma Bridge, then wall climbing, then we have the swings also. Okay, it's good, right, place down here. Okay, and we have this other water activities like zorbing is there, zip lines are there, short rafting is there, mid rafting is there. Okay, so oracle rides are there, kayaking is there. Right, so all this takes place down here in Bison River, which is one of the biggest jetties down here in Ganeshgudi, Bilwa, Joda Taluk.
So the river rafting, there's a three type of river rafting, there short? There are three type of river rafting. One is the shorter one, which is a duration of around 45 minutes. Okay. Then the mid rafting is of 6 kilometers. The duration will take around nearly about 1 hour 30 minutes. Okay. The long rafting, which has been done by the forest department, that is the JLR, the duration will be for 2 hours. 2 hours. And 15 minutes. Okay. And it is open throughout the year, or is there any season? It's not open throughout the year. It will be closed down during the monsoons. Okay. So the season ends up by December, September 31st. 31st. Okay. So after 31st only the rafting starts. Okay, 31st. During the monsoons, we close down the river rafting activity. The rest of the activities keeps on going on throughout the year. Only river rafting is not there. Kayaking, everything is throughout the year. तो उदय जी ने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी कि ये जो प्लेस है यहाँ पे सबसे पहले रिवर राफ्टिंग स्टार्ट हुई थी और अभी भी कंटिन्यू है. कब बंद होती है वो भी बता दिया. एंड मैं सजेस्ट करूँगा सुबह 9 बजे जैसे ही स्टार्ट होती है 9 से 12 के बीच में ही रिवर राफ्टिंग करना, क्योंकि बाद में पानी का फ्लो कम हो जाता है क्योंकि डैम से पानी छोड़ते हैं. सुपर डैम है यहाँ पे. एंड कायाकिंग तो पूरा दिन भर कर सकते हो क्योंकि पानी स्टेबल होता है, तो वो कर सकते हो. दौरों कर सकते हो, और भी अदर एक्टिविटीज़ है वो आप कर सकते हो, स्विमिंग विमिंग. बट रिवर राफ्टिंग करनी है तो अर्ली मॉर्निंग कर लेना. सो एक्शन जोन और रूम 102 कुछ 10 एक रूम इस तरफ है और कुछ 10 एक रूम इस तरफ है. तो इस तरफ के रूम्स का व्यू भी अच्छा है. और यार यहाँ पे आना मतलब पहले एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज़बरदस्त मौसम होगा यहाँ पे, बट इट्स लाइक जन्नत. ये देखिए कोकोनट ट्रीज से सराउंडेड है. तो अभी इस तरफ रेस्टोरेंट है, तो पहले रेस्टोरेंट में जाते हैं, देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या रेडी है. So tea and coffee is ready with some biscuits. So tea and coffee is included. इसके सारे डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ कैसे होटल कैसे वो कर सकते हो, कैसे ईजिली पड़ जाएगा आपको, प्लस यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती है कॉम्प्लीमेंट्री, प्लस क्या क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड है, क्या क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड नहीं है, वो सारी आपको वीडियो के आखिर तक पता चल जाएगी. मतलब बीच बीच में सारी चीज़ें पता चलती जाएगी. फिर वीडियो एंड तक सही से देखना, ध्यान लगा के देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आ रहे हो तो आपको कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए. कमेंट कर दो सारी चीज़ें पता चल जाएगी, बट अगर वीडियो देखते हो तो बहुत अच्छे से पता चल जाएगी आपको. और जो चैनल में न्यू है सब्सक्राइब कर देना. तो अभी रिवर राफ्टिंग का फर्स्ट बैच चालू हुआ है. ये चालू होता है 9 बजे सुबह, तो आज 9:30 बजे स्टार्ट हुआ है. तो देख रहे हो ये लोग जा रहे हैं. तो यहाँ पे दो प्रकार की राइड होती है, एक होती है शॉर्ट राइड, एक मिड राइड और एक लॉन्ग राइड. लॉन्ग राइड होती है 9 किलोमीटर की, शॉर्ट राइड होती है अराउंड 500 मीटर्स और एक मिड राइड होती है अराउंड 3 किलोमीटर्स की होती है. सो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट होता है. कैसा करती था? ब्रेड जैम, पाव भाजी एंड उपमा. सो ये ले लिया ब्रेड जैम, ब्रेड उपमा और पाव भाजी. यहाँ की पाव भाजी थोड़ी अलग है, पुणे की पाव भाजी थोड़ी अलग है. हर जगह पाव भाजी की स्टाइल थोड़ी अलग होती है. अब मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ अपना इस व्यू के साथ. इस तरफ कुछ कॉटेजेस है एंड यहाँ पे है कॉन्फ्रेंस हॉल. तो कॉन्फ्रेंस हॉल इस तरफ है. तो ये सही है कि अगर आप ग्रुप में आ रहे हो, कुछ ऑफिस का मीटिंग है या ऑफिस की टूर है, तो आप यहाँ पे आके कर सकते हो. सो कॉन्फ्रेंस हॉल भी देखते हैं अपन. और सामने व्यू यार ये देखिए, ये तो मैं बाद में दिखाऊंगा, बट पहले कॉन्फ्रेंस हॉल देखते हैं. अभी तो फिलहाल यहाँ पे कुछ चल नहीं रहा है, तो शायद से ये इस कंडीशन में है. बट अगर कुछ इवेंट वगैरह होगा तो ये काफ़ी अच्छे सजा भी होंगे. और एटलीस्ट मुझे लग रहा है यहाँ पे
20 से लेके 40 लोग तो आराम से बैठ जाएंगे, मतलब कंफर्टेबली। सो यहाँ पे बैठने के लिए कुछ जगह बना दी है एंड इस तरफ है वाटर स्पोर्टिंग। रिवर राफ्टिंग, बोटिंग और सारी वाटर स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ अब देख सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ पे एंड पूरा रिवर के ऊपर फॉग है, मतलब एक फॉग का लेयर लग चुका है। सामने पहाड़ है, उस तरफ से पानी नीचे गिर रहा है, इस तरफ से पानी नीचे गिर रहा है और उस तरफ होती है जकुजी और बहुत सारी एक्टिविटीज जो हम देखेंगे आगे और करेंगे भी।